हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई आज डेली की तरह छत पे आए हैं, लेकिन आज तुम्हारा भाई जा रहा भाई कबूतर लेने के लिए। कुछ ही कबूतर है, ज़्यादा कबूतर नहीं है। सारे भाई वीडियो में बने रहो और दिखाता हूं कैसे कबूतर हैं भाई। सारे कबूतर आपको बता दूं पहले कि सारे ही कबूतर भाई वाइट पोटे के, बिल्कुल वाइट पोटे के, जिसे कहते हैं ना हैदराबादी कबूतर है। और आपको कमेंट करके बताना है भाई कैसे कबूतर है। बाकी चलते हैं, अभी फ़िलहाल कबूतर लेके आते हैं। सारे वाइट पोटो के हैं, कार्टून भी रेडी है अपना। बाकी अभी करते हैं पैक इन सबको। दोस्तों आते आते हो चुकी है भाई बहुत ज़्यादा रात, और आज अपने कबूतरों को दाना वगैरह भी नहीं खिलाया। और भाई अब बहुत ज़्यादा मतलब 8 बज रहे हैं लगभग, और डब्बा यहाँ रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल थोड़े से मतलब ऐसी कबूतरों का शौक़ करा देता हूँ। कल की वीडियो में प्रॉपर भाई कबूतरों का शौक़ कराऊंगा, आज की वीडियो बहुत छोटी सी डालूंगा भाई, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी। ये कबूतर है बिल्कुल वाइट वाइट पोटे के। अब मैं वीडियो भाई कल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि भाई अभी मज़ेदारी नहीं आएगी बिल्कुल वीडियो में। तो एक कबूतर का शौक कर लो। ये कबूतर भाई जा रहा है बस भाई के पास। ये देखो हैदराबादी मक्सी है बिल्कुल वाइट पोटे का चोटीदार। ये देखो भाई अंधेरे में बिल्कुल शौक करा रहा हूँ। बाकी कबूतरों का मैं करवा दूंगा। बाकी ये कबूतर भाई जा रहे हैं, दो कबूतर भाई के पास। ये देखो कैसा कबूतर है, कमेंट करके बताना। तो दोस्तों उस नर के साथ ये मादिन लगी हुई है, और ये मादिन भाई इसमें ना मतलब ये थोड़ी हवा में है, पके में है थोड़ा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहली बता दूँ, ये इस कबूतरी का भाई जोड़ा था उस मक्सी कबूतर के साथ, जो कि बिट्टू भाई ले जा रहे हैं हमारे। इन्होंने ही लिए हैं ये दो कबूतर। तो दोस्तों कल तो हो चुकी थी रात, इसीलिए मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूँ भाई। आज अगला दिन है, तो आपको शौक कराता हूँ। कल जो कबूतर लाया था पकड़ के तो नहीं करा सकता, क्योंकि भाई कोई है नहीं छत पे, मैं अकेला ही हूँ, देख सकते हो पूरी छत खाली है। शौक कराता हूँ, आपको कमेंट करके बताना भाई कैसे कबूतर है। सारे ही वाइट पोटे के हैं भाई, बिल्कुल ही मज़ा आ जाएगा देख के, जो भी भाई वीडियो में दिखे ना। सारे भाई वीडियो में बस एंड तक बने रहो। कबूतरों को भाई दाना पानी करते हैं फटाक से। फिलहाल दोस्तों बैड न्यूज़ ये है, जो अपना एक पट्टा था ना जिसको मैं इसमें डाल के भाई दाना चुगाया करता था डेली हरा बच्चा, और जिसके मुंह पे भाई कट लग रहा था, मतलब गांठ हो रही थी ना उसके, मैंने गांठ निकलवा दी थी। लेकिन बेचारा ना कल ना मैंने खोला ना कबूतर, तो भाई डायरेक्ट पीछे जाके कहीं चला गया, और फिर जंगलियों के साथ ही उड़ के चला गया वो, और वो आया नहीं। खैर अब बस पता नहीं वो कहाँ है, सही सलामत हो, और तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बेचारा दाना भी नहीं उठा पाता था यार, उस कदर उसका वो हो गया था। बस कहीं बच के कहीं सही बंदे के पास चला जाए जो उसका इलाज कर दे, वरना हमारे पास ही आ जाए। फिलहाल अपने सारे ही कबूतर हैं बंद, और इनको खोलना, और इसी के अंदर भाई कबूतर हैं चारों, चार कबूतर लेके बचे हैं। छः थे कबूतर, तो भाई छः थे, चार थे जैसे कि मैंने रात की वीडियो में बताया कि भाई दो कबूतर भाई ले जा चुके हैं, वो जोड़ों में डालेंगे, इसीलिए वही ले गए दो कबूतर। और बाकी दाना देखो भाई साफ कर रखा है मैंने, इसको बस पानी निकालना है। तो जल्दी से पानी से निकाल के और कबूतर खोलते हैं। और कल भाई मैं इनको दाना भी नहीं खिला पाया था, मतलब जाल के अंदर ही जैसे तैसे डाल दिया था, और अभी मैं आज इनको सही से दाना चुगा दूंगा। इसका शौक करो भाई, ये नई मादिन है, शौक करो भाई इसका, कैसी मादिन है आपको दिखाता हूँ भाई। कमेंट करके आपको बतानी है भाई वो कैसी है। बिल्कुल देखो जिसे कहते हैं ना वाइट कबूतरी, ऐसी चमक रही है, हटो बचो। ये देखो भाई पोटा देखो इसका, ये देखो। चल बेटे परवर खुले खुल गए, खोल लिए थे इसने, नाइट पिन बंद रही है। इसको छोड़ देता हूँ मैं बाहर, ये देखो एक गई। अभी दो कबूतर इसमें भी है, लॉफ्ट हो रहा गंदा, इसको भी करेंगे साफ। ये देखो भाई अब अपने पास कबूतर देखो दोस्तों कितने सारे हो गए हैं, और हो सका ना तो एक काला चांदना कबूतर और ऐड होगा भाई इसमें। वो भाई लेके आए हैं विपिन भाई जो हैं, वो भाई अभी नए कबूतर लेके आए हैं 17-18 काले चांदने सारे। तो हो सका तो एक कबूतर मेरे को भी वो देंगे, तो हो सका तो आएगा। बाकी ये पूरा लॉफ्ट देखो दोस्तों खाली हो चुका है, पहले जाल की सफाई करते हैं फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब कंडीशन चेक करो अपने जाल की, देखो पूरी तरीके से मैंने क्लीन कर दिया, बस ये दाग वगैरह रह गए हैं, पर रह गए हैं क्योंकि भाई कुरीज का टाइम चल रहा है इसी वजह से। और पानी भी देखो भाई बिल्कुल साफ़ करके रख चुका है। ये नरो वाला लॉफ्ट है, बंद कर दो इसको, और मादिनों वाले की कंडीशन चेक कराऊँ भाई। देखो ये भी एकदम लॉफ्ट साफ़ कर दिया पूरी तरीके से, ये देखो इसमें भी पानी भाई चेंज करके रख दिया। आप सब बोल रहे होंगे कि कबूतर तो भाई दिखा नहीं रहे, तो भाई अब आपको कबूतरों का भी शौक कराते हैं। देखो कबूतर हो रहे हैं अपने भूखे, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कल इनको दाना भी नहीं डाल पाया। आह 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 देखो दाने में भक्के लग रहे हैं। और कमेंट करके बताना भाई तुम्हारे भाई पे अब कितने कबूतर हो चुके हैं। मैंने सोचा क्यों ना भाई भाइयों को कुछ नई चीज़ दिखाई जाए, और इसी बहाने नए कबूतर भी छूट जाएंगे और भाइयों का शौक भी हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले एक कबूतर तो देखो वो रहा सबसे एंड में चुगरा, हैदराबादी बिल्कुल वाइट पोटे का, कुरीज कर रहा है वो देखो कुरीज कर रहा है, इसीलिए थोड़ा मुँह से वैसा हो रहा है पर कम। एक देखो भाई ये है मक्सी चोटीदार, भाई हैदराबादी कबूतरों में तुम्हारे भाई की सबसे फेवरेट नस्ल है यही हैदराबादी मक्सी।
और चोटीदार हो तो भाई मज़ा ही अलग है। ये देखो अपने पास एक है पर वो भाई वाइट पोटे का नहीं है, ये वाला अपना गर्दान कबूतर। ये देखो कैसे सुनहरे पोटे का हो रहा है। जो अब आया ना नया वाला, उसके भाई मक्सीपना देखो कितनी हल्की सी और कितनी बढ़िया चमक रही है। ये दो दिखा दिया आपको और बाहर बाहर से दिखाता हूँ, कबूतर भी हो रहे हैं भूखे। ये देखो तीसरा कबूतर, तीसरा एक तो ये रहा, एक मक्सी, दो ही समझ में आ रहे हैं, दो तो दिख नहीं रहे। हाँ एक ये रही भाई बीच में नीले बानों वाली, इसके अभी बाने उतारूँगा क्योंकि भाई मेरे कबूतर बाने वानों से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। देखो ये देखो दो की दो मादिन नीले बानों की है, दिखाता हूँ। सेंटीनेट गंडों की मादिन दिखाता हूँ भाई, हैदराबादी। आप भी कहोगे भाई क्या चीज़ दिखा रहे हो, और जैसे कि मैंने बताया सारे ही वाइट पोटे के हैं। ये देखो ये मादिन जो गंदी हो रही है ना, ये थोड़ी ये इसके गंडे चेक करो भाई कैसे हैं, ऊपर से शौक कराता हूँ। ये देखो भाई गंडे देखो भाई इसके कैसे हैं, ये सेंटीनेट गंडों की हैदराबादी है ये वाली। ये रही भाई उंगली दिखा रहा हूँ ना, यही इसके गंडे चेक करो भाई आप सब, थोड़ी गंदी सी हो रही है मैली सी, पर वो तो अभी झाड़ वाड़ करके साफ़ हो जाएगी। वो देखो वो जा रही भाई साहब, बिल्कुल जवाब नहीं। और बस आखिरी कबूतर रह गया, चौथा कबूतर भाई यही होगा इनमें ही, इनमें एक जैसे है ना तो पता भी नहीं चलती। ये रही भाई चौथी कबूतरी, ये रही जो सबसे पहले मैंने आपको लॉफ्ट में दिखाई थी ना, ये रही चौथी कबूतरी। एक दो तीन और चार, ये देखो एक दो तीन और चारों कबूतर ये बैठे, मैंने आपको दिखा दिए। बाकी अपने कबूतर तो आप देख ही लो, दाना रखा हुआ है, दाना इनको चुगा देते हैं भाई। आह 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 दाना भाई मैं आज भी साफ़ करके ही डाल रहा हूँ, अब फुलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फुलाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भाई मौसम अभी ना ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा ठंडा गर्म सा, इसीलिए फुला के दाना देने का फ़ायदा नहीं है। आप सबसे बढ़िया दाने को ना वॉश कर लो सही से, वो अपने आप सारा काम कर देगा। ठीक है मैंने वॉश कर दिया, जैसा कि दिखाया मैंने, वॉश करके डालोगे ना तो वो अपना सारा काम कर देगा अपने आप ही। अब मौसम थोड़ा गर्म होगा तो वैसे दाना थोड़ा फुला के देंगे ताकि इन्हें लगे, वैसे दाना फुला के भी दोगे ना तो कोई नुकसान नहीं करेगा कबूतरों को, फ़ायदा ही देता है ये। और बाकी अपने कबूतर भाई कुरिश देखो किस तरीके से कर रहे हैं, परवर ला रहे हैं। ये देखो किस हद तक कबूतरों के भाई पर तो आ चुके हैं, पर और पूंछ मैंने दोनों पाड़ी थी भाई इनकी। ये देखो इस कबूतरी को शौक करो, बस ये है कुछ दिनों की कसर है, 10-12 दिन की कसर और है मेरे हिसाब से तो। बाकी आप सब बताना कमेंट करके। ये काले चांदना बच्चा देखो भाई क्या निखर के बन रहा है, नली भरा बनना है नली तक। और जो ये इसी की बहन है भाई ये वाली, ये एक ही नस्ल की है देखो, तिल वाले बोलते हैं इन्हें काले चांदने, मतलब जो हमारे पास जोड़ थी ना जिन भाई के पास, उन्होंने नाम रख रखा था तिल वाले, मतलब टीके वाले सॉरी, जिनके उनके सिर पर टीका रहता है देखो काला सा। देखो इसके भी है और जो एक ये वाली मादी ना इसके भी है, देखो बिल्कुल बीचों बीच है सर के, उसके भी है। बाकी ये दो अलग जोड़ों के बच्चे थे। अब अपने कबूतरों को कर दिया तुम्हारे भाई ने दाना, और जो दो नए कबूतर हैं ना वो चुग भी नहीं रहे हैं, मिट्टी पे बैठे हुए हैं, बुरा मान जाते हैं भाई, सबका हिसाब किताब अलग अलग है। जिन भाई ने दिए भाई उन्होंने भाई आपसदारी में ही दे दिए कबूतर, भाई इतने अच्छे कबूतर कोई देता नहीं है इस रेट में। कमेंट करके आपको बताने कि कितने रुपए पर के आशीष भाई तुम लाए होगे, जितने भी बताओगे ना सबके कमेंट पे लाइक करूंगा, चाहे वो कितने रुपए भी बताएं। तुम्हारा भाई कितने रुपए पर के लाए हैं आप सभी भाइयों को बताना कमेंट में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितने रुपए पर के अपने चार कबूतर लेके आऊँ, वैसे तो छः हैं पर ये मान लो चार कबूतरों की मानो। बाकी दोस्तों हुमस इतनी तगड़ी हो रही है ना भाई, मेरी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा, गर्मी और टी शर्ट देखो भाई किस कदर गीली हो चुकी है। तो ये कबूतर भी भाई मेरे हिसाब से इसी वजह से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि जाल में मैंने पानी वानी रख दिया ना, क्या पता पानी वानी पी के अपना वो कर। काले पटेल जिन्होंने पाल रखे हैं भाई, सिकंदर भाई, सारे भाई जानते होंगे भाई, वो मुझे बताते रहते हैं कि ऐसा कर ऐसा कर, तो भाई मैं तो उनकी बातें मानता हूँ और ऐसा ऐसा ही करता हूँ। और बाकी अपना भाई विपिन भी है, उसे भी बड़ा भाई मानता हूँ भाई, वो भी जो बताता है वो भी तुम्हारा भाई कर लेता है, ठीक है। चलो यार बहुत देर हो गई, अब इनको बंद करते हैं। कहाँ जा रहा है बेटे इस कबूतर ने, देखो भाई मुँह की कुरीज कर ली, कितना अजीब लग रहा है, पर भाई साहब कबूतर ही है वाकई में। और अपना ये कबूतर तो भाई बेकार हो चुका है, मेरा गर्दान कबूतर उड़ता लड़ता हुआ, इसके भाई पैरों में भी गांठ आ गई, बाजू में भी गांठ आ गई। अगर किसी भाई को इसका पक्का इलाज पता हो ना पैर और बाजू की गांठ का, तो भाई मुझे प्लीज़ बताना यार, अपना ये कबूतर सेट हो जाएगा, उड़ता लड़ता हुआ है। बाकी हम नर और मादिन अलग करते हैं जल्दी से। दोस्तों ये देखो इनके पैरों से मैंने निकाल लिया छल्लियाँ, जिन भाई के पास थे वो शायद छल्ली वगैरह डाल देते थे, और हम अपने कबूतरों को भाई छल्ली वगैरह डालते नहीं हैं, इसीलिए ये सारी उठा के भाई मैं फेंक दूंगा। सारे कबूतर कर दिए हैं बंद, बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे जो भाई नया हो चैनल को भाई कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर,
बाय बाय।